भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर एमआईसी सदस्य मनीष मामा शर्मा द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्तियां शामिल हुई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर को धार्मिक नगरी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जहां निरंतर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार से इंदौर के वार्ड क्रमांक 64 में MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा के नेतृत्व में पवनपुरी में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा के पहले दिन क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद मनीष शर्मा मामा अपने सिर पर भागवत कथा रखकर कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के उद्देश्य पर मीडिया से चर्चा करते हुए मनीष शर्मा मामा ने कहा कि युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने और नशे के प्रति जागरूक करना उनका मुख्य लक्ष्य है। आज जैसे मान्य आपने देखा होगा हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी धर्म के प्रति, आपने देखा होगा जगह जगह भजन या धार्मिक जो भावना, जो आज का जो समय है उसमें हम चाहते हैं कि लोग इस और आपको जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक उसमें, और जिस प्रकार से जैसे माननीय कैलाश जी ने बोला था कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो उसी का संकल्प लेकर हमने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के जन्मदिन के अवसर पर ये पहल करी है। और इसमें हम लोगों को एक संकल्प दिलवाएंगे कि वो नशा मुक्त इंदौर हो, नशा मुक्त इंदौर होगा तो नशा मुक्त प्रदेश होगा, और प्रदेश होगा तो पूरा देश माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में नशा मुक्त होगा। यही हमारा एक सोच है, जो माननीय कैलाश जी का सोच है कि किस प्रकार से नए युवक कल्चर जिस हिसाब से बिगड़ रहे हैं, ये नशे की ओर जा रहे हैं, उसी को लेकर हमने किए। शोभा यात्रा में घोड़े बग्गी सहित राधा कृष्ण की चलत झांकी शामिल रही, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही।